अलीगढ़, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़। एफ़ईएस इंडिया द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर अलीगढ़ जनपद में श्रमिकों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 38 लोगों ने प्रतिभाग किया। सेमिनार में अलीगढ़ के ADF सहायक निदेशक कारखाना कमलेश कनौजिया ने कहा कि फैक्ट्री एक्ट स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर बनाया गया। इस एक्ट के तहत श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ बोनस और सुरक्षा से जुड़े सभी उपकरण तथा समय समय पर नियोक्ता को स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि कहीं हमारे काम के कारण कोई बीमारी तो नहीं हो रही। इसके लिए जो डॉक्टर चेकअप करने के लिए आएंगे वो MBBS के साथ लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा प्रदान किया गया OSH पर 3 माह का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसी क्रम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी जितेंद्र ने बताया कि अधिकांश तौर पर देखा जाता है कि अगर मजदूरी भुगतान या दुर्घटना मुआवजा का मामला होता है तो उस स्थिति में नियोक्ता सीधे मना कर देता है कि ये वर्कर हमारे यहाँ कार्य नहीं करता था। उन्होंने बताया कि कानून ये कहता है कि ये सिद्ध करना कि वर्कर आपकी फैक्ट्री में कार्य करता था कि नहीं, ये नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी, किसी श्रमिक की नहीं। इसी क्रम में संजय सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO हमेशा इस बात को उठाता रहा है कि श्रमिकों को उनके रोजगार से उत्पन्न होने वाली बीमारी और चोट से बचाया जाना चाहिए। फिर भी लाखों श्रमिकों के लिए वास्तविकता बहुत अलग है। प्रतिवर्ष लाखों श्रमिकों की मृत्यु कार्यस्थल पर उपकरणों के न होने से होती है, तथा श्रमिक कई ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जिनके कारण वे भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, जिनको हम व्यावसायिक बीमारी भी कह सकते हैं। वही कार्यक्रम में गुरु प्रसाद ने बताया कि एक कर्मचारी के रूप में काम के लिए भुगतान किए गए पारिश्रमिक के अलावा आपकी प्राथमिक चिंता सुरक्षा है। श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने वाले प्रावधान फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत दिए गए हैं। ये प्रावधान उन परिसरों पर लागू होते हैं जहां पिछले 12 महीनों में 10 या उससे अधिक श्रमिकों ने काम किया हो। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करती है कि कारखाने नियमित रूप से कानून द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन करते हैं। यदि निरीक्षक के पास शिकायत दर्ज की जाती है तो वह कारखाने के मामलों को देख सकता है। निरीक्षक अनिवार्य रूप से ऐसी शिकायत को गोपनीय मानता है। इसी क्रम में संदीप खरे ने बताया कि प्रत्येक कर्मचारी सुरक्षा की अपेक्षा करता है, चाहे वह शारीरिक सुरक्षा हो या सामाजिक सुरक्षा हो, वित्तीय सुरक्षा हो या इस प्रकार का कोई अन्य सुरक्षा उपाय हो। कर्मचारियों की शारीरिक सुरक्षा सरकार द्वारा विनियमित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह नियोक्ताओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है। नियोक्ता कारखाने के मुनाफे को बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के प्रावधान से बचते हैं। इसके अलावा, चूंकि नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच अक्सर शक्ति की असमानता होती है, इसलिए सरकार को कर्मचारियों के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को सुरक्षित करने में एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का समापन अरुण शर्मा के द्वारा धन्यवाद के साथ किया गया। इसी के साथ सभी लोगों का सहयोग सराहनीय रहा। इस खबर की कवरेज के लिए चंद्रमोहन शर्मा की खास रिपोर्ट, अलीगढ़। मेरा नाम गुरु प्रसाद है और आज FPS इंडिया के द्वारा अलीगढ़ में जो ये खासकर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन के ऊपर ये सेमिनार आयोजित किया गया, इसका क्या प्रोविज़न है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन 2020 एक कोड आया, बिल आया, तो क्या क्या प्राविधान है उसके, और इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के क्या क्या प्राविधान है, उसको लेकर के फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे कौन कौन सी उपकरण हैं जो सेफ्टी के लिए अपनाए जाते हैं, जो कोड में कहे गए हैं, कानून में कहे गए हैं, और धरातल पर क्या होता है। तो इसलिए कुछ फैक्ट्री वर्कर्स को यहाँ पे बुलाया गया था और यहाँ पे जो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ उद्देश्य क्या रहता है आपका ऐसे सेमिनार को लेकर? इसका हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएं कि क्या कानून क्या कहता है, जिससे कि जो प्रतिवर्ष लाखों जाने जाती हैं, जैसे ILO का आंकड़ा है कि प्रतिवर्ष लाखों लोगों की जान जाती है, एक तो उसके दो कारण, और दूसरा अज्ञानता के कारण लोगों को पता नहीं चल पाता कि हमको कौन सा उपकरण कहाँ पे पहनना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कुछ काम ऐसे करते हैं जो उस कामों से बीमारी उत्पन्न होती है और उसको हम पता नहीं कर पाते हैं, तो वो काम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बीमारी से ग्रसित होते हैं और फिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है, उस दशा में कंपनसेशन भी नहीं मिल पाता है बहुत लोगों को। तो ये भी बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई वर्कर है, उसका कार्यस्थल पर कोई उसके संग दुर्घटना होती हो तो उसको कानून के तहत पूरी कंपनसेशन मिलना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, और अगर कोई बीमारी होती है तो उसका पूरा मुआवजा।